सुपर बात बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का अध्याय नंबर 10 करेंगे, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, अपूर्व अनुभव, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कोई पहले होने वाला अनुभव, जो कि हमें काफ़ी पहले कोई अनुभव हुआ हो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने एक मित्र की, उसके मित्र को जिसे कि पोलियो है, उसकी काफ़ी हेल्प करती है। इसमें क्या स्टोरी दी गई है, यह एक जापानी संस्मरण है। जापानी संस्मरण है, जापानी भाषा में लिखा गया था। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है यासुकी चान और तोतो चान। तोतो चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। यह मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है। यह पाठ एक संस्मरण है। एक लड़की तोतो चान ने अपने मित्र जो कि उसका मित्र था यासुकी चान, उसे पोलियो था। वो खुद से किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, ना ही वो दूर तक चलकर जा सकता था, अपने पैरों से चलकर वो नहीं जा सकता था। तो वो उसकी मदद करती है बिना किसी को बताए, अपने वृक्ष पर, अपने पेड़ पर, जो कि उस लड़की ने, तोतो चान ने अपने लिए चयनित कर रखा था, चयन कर रखा था एक पेड़ का, उस पर चढ़ाने के लिए वो उसे निमंत्रण देती है और उसकी उस पर चढ़ने में काफ़ी मदद भी करती है। देखो, इसमें बताया गया है कि तोमोए नामक स्थान पर, तोमोए नामक एक स्थान था, उस जगह पर हर बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु नगर की साइड जाने वाली जो सड़क थी उसके पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यहाँ शब्द आया द्विशाखा। द्विशाखा, जिस पेड़ की 2 शाखाएं हों, उसे कहा है द्विशाखा। ठीक है, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी उस पेड़ पर, ऐसी जगह थी, वो 2 शाखाएं होने की वजह से उस पे ऐसा स्पेस, ऐसा स्थान बन गया था जैसे कि कोई झूला यहाँ लगा हुआ हो। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, स्कूल में जब लंच ब्रेक होता है या तो उस टाइम या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह क्या देखती, दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे चलने वाले, सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे, जो बच्चे अपने बाग के एक एक पेड़ को अपना पेड़ वो चुन लेते थे बच्चे, उसको वो अपनी निजी संपत्ति मानने लगते थे। अगर उस पर किसी दूसरे को चढ़ना होता था तो वो उससे पहले इजाजत लेता था कि क्या मैं तेरे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यदि वो हाँ कहे तो वो चढ़े, नहीं तो नहीं चढ़े। सभी बच्चों का अपना अपना एक एक पेड़ होता था, अलग अलग। यासुकी चान, तोतो चान का जो एक मित्र था, यासुकी चान को पोलियो था, वो पोलियो से ग्रस्त था बच्चों, इसलिए फिर न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था बेटा, और न ही किसी पेड़ को वो अपनी निजी संपत्ति मानता था। निजी संपत्ति तो तब माने तब वो उस पर चढ़ सके, चढ़ना तो दूर की बात है, वो अपने पैरों से चलकर भी नहीं कहीं दूर तक जा सकता था। ठीक है, अतः तोतो चान ने किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं माना था। तोतो चान ने उसकी, यासुकी चान जो था, उसकी काफ़ी मदद की। उस तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं बताई।
क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि उन्हें पता था जब ये चल नहीं सकता तो पेड़ पर कैसे चढ़ पाएगा, कहीं गिर ना जाए, उसे और ज़्यादा चोट न लग जाए। इसलिए अगर वो अपने घर में किसी बड़े से परमिशन लेते या बता कर जाते तो उन्हें कोई नहीं जाने देता। घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी माँ से कहा कि भाई यासुकी चान के घर डेनेन चोफू, यासुकी चान का घर कहाँ था, ये हमारा एक अति लघु उत्तरी है, प्रश्न उत्तर बन रहा है यहाँ पर। यासुकी चान का घर कहाँ था, डेनेन चोफू नामक जगह पर। चूंकि वह झूठ बोल रही थी तोतो समय क्या कह के गई अपनी माँ से घर से निकलते समय कि वो यासुकी चान के घर जा रही है, उसने ऐसा नहीं कहा कि वो यासुकी चांद को लेकर किसी वृक्ष पर चढ़ेंगे, ऐसा कहती तो उसकी माँ शायद नहीं जाने देती, तो वो अपनी माँ को झूठ बोलकर वहां से चली गई। जब हम झूठ बोलते हैं, चाहे कोई भी हुआ, बच्चे हुए या बड़े हुए, यदि हम किसी के सामने झूठ बोलते हैं तो हम उससे नजरें नहीं मिलाते, नजरें मिलाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे तो उसे पता लग जाएगा, समझ जाएगा वो कि हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, चेहरे से आदमी पहचान में आ जाता है। तो ऐसा ही तोतो चान ने भी किया, उसने अपनी माँ से नजरें नहीं मिलाई। क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अच्छा, तोतो चांद जाने से पहले रॉकी को सच बताकर चली गई, ठीक है, उसने अपनी माँ से नहीं बताया बट रॉकी से जरूर बताया, मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, रॉकी से उसने ऐसा बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चांद कहाँ मिला उसे, मैदान में क्यारियों के पास, स्कूल में। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, उन्होंने अपनी जगह निश्चित की थी कि हम यहाँ मिलेंगे, ठीक है, गर्मी की छुट्टियाँ थी इसलिए स्कूल बिल्कुल सूना पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था। यासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चांद तोतो चांद से उम्र में कितना बड़ा था, ये भी एक हमारा यहाँ प्रश्न बन रहा है, ठीक है, एक वर्ष का अंतर था उनमें। तोतो चांद को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन फिर भी तोतो चांद को वो अपने से काफ़ी बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। यासुकी चांद उसको देखते ही उसकी तरफ दौड़ा, जिस भी हालत में, जैसे भी वो चल सकता था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद भी उत्तेजित थी उससे मिलने के लिए, उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए काफी उत्सुक थे वो दोनों ही। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता, उन्हें एक डर भी था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, ठिठियाकर खिलखिलाकर, खूब खुलकर हंसी वो। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। क्यों भागी वो छप्पर की ओर, आगे देखिए आप। उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी लेकर आई। चौकीदार के छप्पर की ओर किस लिए भागी थी तोतो चांद, वहां से वो एक सीढ़ी लेकर आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लेकिन यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे बच्चों कि वह सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकता था बिना सहारे के। तोतो चांद नीचे आई, पेड़ पर से उतरकर वो नीचे आई। यासुकी चांद को पीछे से उसको धकेलने लगी वो, पर तोतो चांद इतनी छोटी और नाजुक थी, इससे और ज्यादा मदद वो उसकी नहीं कर सकती थी। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इससे तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वो बच्चों का खेल समझे बैठे थे दोनों के दोनों। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था, दोनों ही बहुत उत्साहित थे वो, उत्सुक थे वो। लेकिन
उसका लटका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान क्यों उदास हो गया कि वो बार बार इतनी कोशिश उसको चढ़ाने के लिए कर रही है और वो नहीं चढ़ पा रहा है। उसकी मेहनत को देखकर, उसके प्रयास को देखकर वो उदास पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। इस बार क्या लेकर आई वो? इस बार वो एक तिपाई सीढ़ी लेकर आई उसे चढ़ाने के लिए, जिसे पकड़ना भी नहीं पड़ा। तिपाई सीढ़ी को, क्योंकि उसके तीन पाए होते हैं, तो वो उसने ऐसे ही रख दी, उसे उसको पकड़ना भी नहीं पड़ा। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी बहुत पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और सब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। दृढ़ निश्चय किया उसने, अपने मन को समझा कर उसने चढ़ने की कोशिश की। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज की गर्मी से वो तपे जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, गर्मी की छुट्टी स्कूल में पड़ी हुई थी, तो अंदाज़ा लगाओ कि सूर्य कितनी तपत दे रहा होगा। बहुत तेज़ धूप थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुँचने में लगा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर तक वह पहुंच गया। वह अपने प्रयास में सफल रहा। उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों लगने लगी बेकार? आगे देखिए। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार रही। किस प्रकार बेकार रही? यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। अब तोतो चान बिल्कुल रोने को हो चुकी थी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करे और नई नई चीजें दिखाए। वो उसको ऊपर चढ़ाकर क्या दिखाना चाहती थी? ऊपर का आकाश, कि ऊपर आकर देखो कैसी दुनिया लगती है, नीचे झांकने पर कैसा लगता है और ऊपर देखने पर कैसा लगता है, कि पेड़ पर चढ़कर हम कैसे देख सकते हैं। पर वह नहीं रोई। रोने को हो चुकी थी पर वह नहीं रोई। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। उसने बताया ना, उनमें अंतर तो एक वर्ष का था, लेकिन उसे यासुकी चान उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करूंगी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तर बतर थे। तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार वो उसे वहां चढ़ाने में सफल रही। किसकी मेहनत के कारण वो चढ़ने में सफल रहा? किसके प्रयास से चढ़ पाए? यासुकी चान अकेला नहीं चढ़ सकता था। यासुकी चान डाल के सारे खड़ा था। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। इसके बाद है बच्चों, यासुकी चान की जो बहन है, बड़ी बहन, वो अमेरिका में रहती थी, तो उसने बताया कि वहाँ एक नए तरह की चीज होती है, टेलीविजन, क्योंकि उसे यहाँ कोई नहीं जानता था, तो वो उसे नया लगा। यासुकी चान ने क्या बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वहाँ एक टेलीविजन है। वह कहती है कि वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। उसने बताया टेलीविजन कैसा होता है, एक डिब्बे के जैसा होता है।
तोतो चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई, यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता, नहीं चला जा सकता था, उससे घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। क्यों था और किस लिए पेड़ गीत गा रहे थे? दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान और तोतो चान दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि जैसा वो चाह रहे थे उसको करने में वो सफल रहे, इसलिए वो खुश थे। उनका प्रयास, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत सफल रही। और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि अभी वो बहुत मेहनत करने के बाद पेड़ पर चढ़ने में सफल रहा था। वो अपने पैरों से चल कर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता था, तो पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। इसके बाद हम इसके कुछ शब्दार्थ हम देखते हैं बच्चों। कठिन शब्द शिविर, शिविर का अर्थ है कैंप। नेक्स्ट है छप्पर, झोंपड़ी। तरबतर, लथपथ। उत्तेजित, उत्साहित। तोतो चान और यासुकी चान बहुत उत्साहित थे ना, भेद रहस्य। उनके पेड़ पर चढ़ने का किसी को नहीं पता था, ये भेद था। उन्होंने अपना भेद किसी को नहीं दिया था, वो झूठ बोलकर अपने घर से गई थी। न्योता, निमंत्रण, किसी को बुलावा देना। द्विशाखा, दो शाखा वाले। हताशा, निराश। जब वो नहीं चढ़ पा रहा था तो तोतो चान और वो यासुकी चान दोनों ही कुछ निराश होने लगे थे। हार्दिक, दिल से। उमंग, चाह, इच्छा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार